हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए तोरण पट्टी लेकर आई हूँ। चलिए बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें चेन लेना होगा। यहाँ पर मुझे टोटल 17 चेन लेना होगा। टोटल 17 चेन यानी कि 17 चेन हमें लेना है यहाँ पर। बहुत ही आसान पट्टी है, आप भी इसे ज़रूर बनाएगा। 17 चेन लेकर हमें 14th वाले चेन में यानी कि 14 वाले चेन में हमें एक डबल क्रोशेट लगाना है। 14वां चेन में हमें डबल क्रोशेट लगाए, 13 चेन में डबल क्रोशेट लगाए। इसी तरह आपको पूरे चेन में डबल क्रोशेट लगाते हुए जाना है। टोटल हमारे डबल क्रोशेट हो जाएंगे 15 डबल क्रोशेट लगाना है आपको। इसी तरह आपको बना लेना है। हर एक चेन में आपको डबल क्रोशेट लगाते हुए जाना है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। इस तरह से आपको चेन में डबल क्रोशेट बनाते हुए एंड तक जाना है। टोटल हमारे 15 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं। टोटल 15 डबल क्रोशेट बनाए हैं। अभी मुझे 3 चेन लेकर पलट लेना है। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट लगाना है। बीच में हमें एक चेन लेना है। चेन स्पेस के गैप लिए हमने यहाँ पर मुझे एक डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट, उसके बगल वाले डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट, फिर एक हमें चेन लेना है गैप, एक डबल क्रोशेट स्किप करके एक चेन लेना है। एक चेन लेकर एक डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में हमें 2 डबल क्रोशेट लगाना है। यानी कि दो हर राउंड में हमें 2-2 डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट लगाए, नेक्स्ट डबल क्रोशेट लगाए, बाद में एक चेन लेकर बचे हुए डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट लगाना है। एक डबल क्रोशेट स्किप करना है हमें यहाँ पर। देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। हमारे गैप हो जाएंगे 4 गैप होना चाहिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी गैप बड़ा पट्टी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पर मुझे 3 चेन लेकर पलट लेना है। अब यहाँ पर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाना है। 2 3 3 डबल क्रोशेट बना लिए। बीच में हमें एक चेन बनाना है। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट पे हमें डबल क्रोशेट ही बनाना है। बीच में हमने एक चेन ले लिए, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर से हमें एक चेन लेकर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट। बहुत ही आसान है बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक चेन लेकर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेम आपको बनाते हुए जाना है। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपको बना लेना है। और एक बार बनाना दिखाती हूँ। 3 चेन लेकर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट, एक चेन नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेकर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट बनाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है। आपको जितना लंबाई चाहिए उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पट्टी टोटल 1 मीटर लिए है, यानी कि 40 इंच बना लिए हैं। सेम आपको बना लेना है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है पट्टी को। इस तरह से आपको बना लेना है। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और लास्ट को हमने पूरे 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरह से आपको गैप में भी मैं पफ बनाना दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने पिंक ऊलन लिया है, आप के मनपसंद ऊल ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जो गैप मैंने एक एक डबल क्रोशिया स्किप करे थे, उसी में आपको धागे को अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बना लेना है। लॉक कर लिया मैंने। थोड़ा आपको खींचना है धागे को ऊपर की ओर। यहाँ पर हमें पफ बनाना है। टोटल हमें 4 टाइम यहाँ पर पफ काटना है। इस तरह से बाद में हमें पूरा पफ एक चेन में स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब यहाँ पर मुझे ये बीच वाले लाइन को स्किप करके नेक्स्ट वाले लाइन को हमें स्लिप स्टिच लगा के जोड़ लेना है। ये देखिए, स्किप करना है नेक्स्ट वाले चेन जो मैंने गैप छोड़े थे, वहीं पे आपको एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर से आपको यहाँ पर पफ बनाना है। 4 टाइम काटेंगे हम यहाँ पर, 2, 3, 4, टोटल 4 टाइम आपको पफ बनाना है। देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पर एक राउंड स्किप करके आपको नेक्स्ट वाले राउंड में एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से आपको पूरा पफ बनाना है। पूरा पफ इसी तरह से आपको बना लेना है। 3, 4, 4 बार आपको पफ लेके स्लिप स्टिच लगा लेना है चारों में से। नेक्स्ट राउंड हमें एक छोड़ना है, उसके अगले राउंड में हमें एक स्लिप स्टिच लगा के क्लोज कर लेना है। सेम इसी तरह आपको बनाना है हर राउंड में। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 राउंड बनाना है। आप चाहे तो एक रंग भी ले सकते हैं, अलग अलग रंग भी ले सकते हैं। इस तरह आपको कंटिन्यू करते हुए जाना है। देखिए फिर से बनाना दिखा रही हूँ। 2, 4, टोटल 4 टाइम आपको पफ करना है। इस तरह से बीच वाले हमें स्किप करना है राउंड को, नेक्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह आपको पफ बनाते हुए जाना है। ये देखिए मैंने बना लिया है। आपको पूरा कंप्लीट करना है एंड तक, और हमें 3 पफ्स बनाने हैं साइड में। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 रंग लिए हैं। इस तरह आपको कंप्लीट कर लेना है पफ को। आप चाहे तो एक कलर भी ले सकते हैं। आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरा पट्टी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसान है बनाना। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बॉर्डर बनाना दिखाऊंगी, आउटलाइन बनाना दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर मुझे आउटलाइन बनाना है। मैंने यहाँ पर पिंक ऊल लिए है। आप चाहे तो अलग भी रंग ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे धागे को अटैच करना है फर्स्ट वाले राउंड में। इस तरह आपको धागे को जोड़ लेना है। लॉक कर लिए मैंने धागे को। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, टोटल हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन ये राउंड हमें स्किप करके नेक्स्ट वाले राउंड में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। एक राउंड मैंने स्किप कर लिए, नेक्स्ट वाले राउंड में स्लिप स्टिच लगाना है। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 चेन लेकर ये वाला यहाँ पर स्किप करके नेक्स्ट वाले राउंड में एक स्लिप स्टिच लगाना है। फिर से 1, 2, 3, 4, ये हमारा बॉर्डर है।
स्किप करके नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच लगाना है। आपको पूरा पट्टी सेम बनाना है, सेम प्रोसीजर है, एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगाने हैं। इसी तरह आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं पट्टी, बहुत ही सुंदर दिखता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। वीडियो मेरे पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिएगा और ही अच्छे अच्छे पैटर्न मैं लेकर आती हूँ।